हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। सो आज के वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि आप लोग आपके पीसी में बीट सिंग मोंटाज कैसे बना सकते हो। यस, ये हमारा पीसी ट्यूटोरियल होने वाला है। इससे पहले भी मैंने एक बार पीसी ट्यूटोरियल दिया था, ब्लेंडर का था वो। शायद मैं उसमें अच्छे से ना सिखा पाया हूँ क्योंकि वो फर्स्ट पीसी ट्यूटोरियल था, लेकिन ये वाले पीसी ट्यूटोरियल में मैं आप लोग को बहुत ही बढ़िया से सिखाने वाला हूँ। और इससे पहले मैंने मोबाइल के बहुत सारे बीट सिंग के ट्यूटोरियल डाल रखे। अगर आपने मोबाइल से पीसी पर शिफ्ट कर लिया है तब ये वीडियो आपके काम किया। आप चाहे किसी भी गेम की बीट सिंग मोंटाज एडिट करना चाहते हो, चाहे वो फ्री फायर हो या बीजीएमआई हो या कोई भी अदर गेम्स हो जिसकी आप एडिट करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को जरूर से वॉच कर लेना। और इस वीडियो में मैं आप लोग को नॉर्मल नहीं सिखाऊंगा कि ऑडियो कैसे इम्पोर्ट करते हैं, आपका गन साउंड कैसे आएगा, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। मैं आप लोग को उससे भी अलग अलग टिप्स देने वाला हूँ कि आप लोग आपकी ऑडियो को एकदम मस्त कैसे बना सकते हो विद SFX के यूजर्स के साथ। एंड एक और प्लस पॉइंट है, और इस वीडियो में आप लोग को एक और ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आपके ऑडियो को एकदम क्लियर बना सकते हो। आपके ऑडियो को जब सुनेंगे ना तो एकदम बढ़िया लगेगा, प्रोफेशनल बीट सिंग जैसा लगेगा। तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो बस वो देखने के लिए पूरा वीडियो देखते रहना। और आज जो हम लोग यूज करने वाले उसमें सॉफ्टवेयर यूज होने वाला है प्रीमियर प्रो, उसका कोई सा भी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे चले जाओ। जब आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे चले जाओगे तो वहां पर आपको एप्स का एक सेक्शन मिल जाएगा, तो आप एप्स के सेक्शन में से जाके वहां से प्रीमियर प्रो को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको लेटेस्ट वर्जन का चाहिए तो आपको वहां पे मिल जाएगा बिल्कुल ही फ्री में, आप कह सकते हो फ्री में मिल जाएगा। एंड उसके बाद अगर आप लोग को लोअर वर्जन का चाहिए तो आप उसी साइट पे सिंपली सर्च कर लेना लोअर वर्जन का, सिंपली नेम डाल के आपका वर्जन डाल देना 2020। मैं तो 2020 यूज करता हूँ। आपको जो सा भी चाहिए, मैंने आपको लेटेस्ट दिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लेटेस्ट ही चाहिए रहता है, इसलिए मैंने लेटेस्ट वर्जन आपको प्रोवाइड कर दिया डिस्कॉर्ड सर्वर पे। सून मोबाइल के एप्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर ट्यूटोरियल। तो मैंने अपना प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया है। प्रीमियर प्रो ओपन करते ही आपको साथ ही साथ यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ट्यूटोरियल, यहाँ पे थोड़ा और लिख देता हूँ, क्या पता ट्यूटोरियल करके कोई प्रोजेक्ट हुआ तो फिर ये मैच कर जाएगा। देन इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आपको कर लेना है। मैंने यहाँ पे अपने प्रीमियर पर प्रोजेक्ट फाइल के अलग से एक फाइल बना के रखी, मैं उसमें ही करता हूँ सेव। तो जस्ट आपको ओके पे प्रेस कर देना है एंड यहाँ पर आपका एक प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो अब ना मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाने वाला हूँ। आप समझ लो कि आपने कल ही नया पीसी लिया है, आज ही आपने प्रीमियर प्रो डाउनलोड किया और आज ही आप मेरे वीडियो पे आ गए। प्रीमियर प्रो तो आपको डाउनलोड करना है यार, यूट्यूब से सीखना पड़ेगा कैसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करना बिल्कुल ही सिंपल है, मैंने आपको डिस्कॉर्ड पे लिंक दे दिया है, सिंपली जाओ वहाँ पे डाउनलोड करो, एक्सट्रैक्ट करो, सेटअप वाली फाइल पे जाके इंस्टॉल कर लो, सारे प्रोसेस खत्म करो, डन, आपका इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो चुका है। अब समझ लो आप लोग ने प्रीमियर प्रो पहली बार ओपन किया, प्रोजेक्ट बनाना मैंने सिखा दिया। अब यहाँ पर इम्पोर्ट कैसे करना है, सबसे पहली बार तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करके ऐसे आपका फाइल खुल जाएगा, यहाँ से आप इम्पोर्ट कर सकते हो। अगर यहाँ से आप इम्पोर्ट नहीं कर पाते तो आप कंट्रोल प्लस आई दबा सकते हो, कंट्रोल प्लस आई दबाने से भी आप यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हो। आज जो मैं ऑडियो लेने वाला हूँ भाई, वो नो कॉपीराइट ऑडियो तो नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा मैं कॉपीराइट क्लेम ले सकता हूँ भाई, अपनी वीडियो पे मैं कॉपीराइट क्लेम लेता ही हूँ। कितने सारे वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम है, यहाँ तक कि मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस पे भी कॉपीराइट क्लेम है, फिर भी मैं कॉपीराइट क्लेम लेता ही हूँ। सो इसी बात पे यार वीडियो को लाइक भी कर देना। और देखो ऑडियो ऐसे इम्पोर्ट हो जाएगा, और मैं आप लोगों को ना नो कॉपीराइट सॉन्ग पे नहीं सिखाना चाहता क्योंकि मुझे पता है नो कॉपीराइट सॉन्ग पे कोई बीट सिंग आगे बनाने नहीं वाला। मैं आपको सिखा भी दूंगा तो क्या मतलब, समझ ही नहीं आएगा तो फिर मेरे ट्यूटोरियल बनाने का मतलब ही क्या है। तो इसीलिए मैंने ये कॉपीराइटेड साउंड लिया है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डिस्क्रिप्शन में कॉपीराइट नहीं दिखता है, तो ज्यादातर वीडियोस पे आजकल नहीं दिखता है, ये यूट्यूब का कोई नया फीचर होगा या तो ग्लिच कह सकते हो, लेकिन कॉपीराइट क्लेम आता है वो वीडियो डालने वाले को ही पता चलता है। तो देखो जब आपका वीडियो ऐसे इम्पोर्ट, वीडियो नहीं सॉरी ऑडियो, ऑडियो जब आपका इंपोर्ट हो जाएगा तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखना है, देन यहाँ पे ड्रैग कर लेना, एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। अब देखो हमें ना अभी ऑडियो एडिट करना है तो ये वीडियो वाले बार का कुछ काम नहीं, तो इसको क्लोज नहीं करेंगे हम लोग, क्लोज करने के बाद में ढूंढने जाना पड़ेगा फिर वो सब भाई। तो इससे बढ़िया ना सिंपली इसको ऐसे कर दो एकदम ऊपर। अब जब आप लोग को वीडियो वाला सेक्शन चाहिए रहेगा तो सेम आप यहाँ पर जाना और यहाँ पर लेफ्ट क्लिक होल्ड करके नीचे ड्रैग करना, और ऐसे ड्रैग करके आप लोग यहाँ पर कर सकते हो ऐसे देखो। तो बस इतना हो जाने के बाद यहाँ पर ये भी कुछ बार से यहाँ से आप आपकी ऑडियो का वो बढ़ा कर सकते हो, लेकिन ये ना वीडियो के लिए, यहाँ पर आपके वीडियो के लेयर्स दिखेंगे। तो बेसिकली हम लोग को वीडियोस का कुछ भी काम नहीं है, तो मैं यहाँ पर से जाऊँगा एंड यहाँ पर इसको मैं ऐसे कर दूंगा,
जिससे ये देखो ये सारे के सारे अब ऊपर चले गए। अब वीडियो वाला जो है ना वो बहुत ही ज्यादा छोटा हो चुका है, अब वो ऊपर चला गया है। जब हम वीडियो एडिट करेंगे तो उसको हम नीचे कर लेंगे, लेकिन आई थिंक कि आपको वीडियो ना आफ्टर इफेक्ट में एडिट करना चाहिए। बिटसिंग आप बना लो प्रीमियर प्रो में, वो मैं आपको आगे की सीरीज में सिखाऊंगा। ये पूरी सीरीज ही होने वाली है, बेसिक्स एकदम सीखेंगे। एंड देखो इसको सिंपली ऐसे लंबा कर लेना है, इसको ऐसे कर लो। एंड यहाँ पर ना आपके गन साउंड आने वाले, तो गन साउंड वाले को ना ऐसे कर लो, कस्टमाइज कर लो खुद से आपके हिसाब से। अब ये देखो ये आपका एक स्लॉट है और ये दूसरा स्लॉट है, यहाँ पे तीसरा, ये मास्टर स्लॉट है, ये मास्टर वाला है, इसमें ऐड नहीं होगा। अभी आपका दो ही स्लॉट है, तीसरा चाहिए होगा तो सिंपली ड्रैग करके इस वाले एरिया में डालोगे तो तीसरा स्लॉट बन जाएगा। स्लॉट्स की कमी नहीं है, यहाँ पे लेयर आपकी बनती जाएगी बनती जाएगी, जितनी आपको चाहिए। अब अपने कीबोर्ड में दबा लो ऑल्ट वाला बटन, आपके स्क्रोल वाले बटन को ऐसे आगे की ओर करो ड्रैग, जिससे ये जूम हो जाएगा। आपको आगे की ओर माउस को करना है व्हील को, तो ऐसे हो जाएगा। देन वापस से आगे की ओर करोगे तो आगे जाएगा, एंड पीछे करोगे तो पीछे जाएगा। ये सब बेसिक थिंग्स है, जल्दी से आगे जाने के लिए यहाँ से करके ऐसे कर सकते हो। एंड देखो यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बीट्स एकदम साफ साफ दिख रही है। अब इसमें भाई बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कितनी साफ साफ बीट्स दिख रही है यहाँ पर। देखो नहीं भी दिया होगा आप लोग को शायद, बहुत तेज साउंड हो, किसी का साउंड तो कम ही रखा है, पता नहीं कितना। बाद में मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा साउंड को वीडियो एडिट करते समय। अभी तो मेरे को बहुत जोरदार साउंड सुनाई देने वाला है, तो चलो देखते हैं इसको, थोड़ा सुनते हैं। अब ना आपको सबसे पहले तो हर बीटसिंग को एडिट करते समय पहले सुनना ही पड़ता है। और एक और चीज बोलूँ, अगर आपको बीटसिंग परफेक्ट करना है तो इस ऑडियो को ना थोड़ा हेडफोन्स डाल के अच्छे से एडिट करने बैठो, और एडिट करने से पहले ना 2-3 बार आप इसको रिपीट सुन लो, और उसके बाद आप एडिट करने बैठोगे ना तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा भी आप कर सकते हो। अब देखो आपको क्या करना है, अब प्ले करने के लिए आप बार बार इसको नीचे करके ऐसे जाओगे, फिर उधर प्ले वाले बटन नहीं दबाओगे, ऑब्वियसली नहीं दबाओगे। स्पेस बार है, स्पेस बार को दबाओ, बस ये ऑडियो चालू हो जाएगा। अभी देखो मैंने इतना सुना, और इतने में ना अभी मेरे को वापस से एक बार मैं सुनूंगा, देन बीट्स को नोटिस करूंगा। तो देखो यहाँ पे ना एकदम ऐसा सस्पेंस वाला साउंड क्रिएट हो रहा है, देन ऐसे जाके वहां पर अगर एक शॉट आता है ना तो एकदम परफेक्ट लगने वाला है। और ये जो आगे का जितना भी पार्ट है ना, इसको हम लोग रख सकते हैं अपने इंट्रो के लिए, और थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा ना तो इसको इग्नोर करना। मैं ट्राई करूंगा बैकग्राउंड साउंड रिमूव करने का, बट कितना ही कर पाऊंगा बैकग्राउंड साउंड रिमूव। अब यहाँ पर आपका बार बड़ा हो चुका है, तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करके कर सकते हो। अगर आपका ये बार नहीं है तो आप कंट्रोल आई दबा के भी कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। अब आपको गन साउंड कहाँ से मिलेंगे, इफ अगर आप लोग हर गेम के गन साउंड चाहते हो तो ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर, हर चीज के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। डिस्कॉर्ड सर्वर अगर आपने ज्वाइन करके रखा है तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। सिंपली डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाओ, वहां पे बहुत सारे सेक्शंस हैं और बहुत ही जल्दी सारे गेम साउंड के गन आ जाएंगे। सॉरी ये क्या बोल दिया मैं, सारे गेम्स के गन साउंड आ जाएंगे। यस अभी सही बोला, वो थोड़ा कभी फ्लो फ्लो में निकल जाता है, तो सारे गेम्स के ना गन साउंड आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएंगे। और जल्दी से जाओ यार, पुराना वाला डिस्कॉर्ड ना सीन हो चुका है, अगर आप लोग ने इससे पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा। सो प्लीज जाओ डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, और A to Z चीजें तो आपको डिस्कॉर्ड पे ही मिलने वाली है। तो आप सिंपली आपको आपका फ्री फायर वाला गन साउंड का फोल्डर ओपन कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर से डाउनलोड कर सकते हो, या तो मेरी ये वाली वीडियो से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको फ्री फायर मैक्स का चाहिए तो ये वाली वीडियो से डाउनलोड कर सकते हो। सो ये आपकी मर्जी आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, मैं फटाफट अपना वो फोल्डर ढूंढ लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना फ्री फायर गन साउंड का फोल्डर ओपन कर लिया है भाई, लिटरली 5 मिनट लग गए इसको ढूंढ तो लिया, लेकिन प्रीमियर प्रो क्रैश हो गया यार। क्रैश हो गया, मैंने वापस ऑडियो इंपोर्ट किया भाई, अब क्रैश हो जाता है क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चल रही है, एंड मैं अपना ऑडियो अलग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो अलग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड प्रीमियर प्रो उल्टा चल रहा है, तो थोड़ा क्रैश तो हो ही जाता है। अब मैं यहाँ पर ना 2 गन साउंड यूज करके देखूंगा। सबसे पहले तो मैं यूज करूंगा डेजर्ट का, क्योंकि डेजर्ट का ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है अगर आप यूज करते हो तो। ये वाला नहीं, मैं दूसरा डेजर्ट यूज करूंगा, ये रहा। तो सिंपली आपको डेजर्ट के साउंड को यहाँ पर ड्रैग करके इंपोर्ट कर देना है। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर जितना भी आगे का पार्ट है वेव ऊपर जाने तक का कट कर दो।
अगर नहीं हो रहा है तो और जूम कर लो। एंड यहाँ तक का मैंने पूरा कट कर दिया, सेम इसको यहाँ पर लगा देना। और एक चीज जरूर से चेक कर लेना, जब आप यहाँ पर क्रिएट करो तो आपको जाना है सीक्वेंस, सीक्वेंस सेटिंग्स, देन यहाँ पर देखोगे तो आपका डिस्प्ले फॉर्मेट होगा 25। तो यहाँ पर देखो आपको जाना है ऊपर, ऊपर जाके यहाँ पर आपको 60 फ्रेम्स पर सेकेंड कर देना है। स्टार्टिंग में ही यह करना रहता है लेकिन मैं आपको बताना भूल गया। अब यहाँ पर देखो ये डिस्प्ले फॉर्मेट 60 FPS हो चुका है, अब आप 60 FPS पर एडिट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको देखो बहुत सारी लाइनें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अब आप इसको और जूम कर सकते हो और अच्छे से सेट कर सकते हो। तो 60 FPS याद से कर लेना, दिस इज द मेन सेटिंग, तो इसको आपको याद से कर लेना है। एंड इसके बाद आपको सिंपली इसको सुन के देखना है। तो देखो ये वाला साउंड ना यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा बढ़िया नहीं लग रहा है, तो अब यहाँ पे हम दूसरा साउंड भी इंपोर्ट करके देखेंगे। जैसे अभी कार 98 के, मैं कार 98 के को यहाँ पर इंपोर्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं सेम जगह पे कार 98 के साउंड को लाऊंगा और इसका साउंड यहीं से स्टार्ट होगा। अगर थोड़ा आप सुन के भी देख सकते हो, मेरे को तो पता है इसलिए। एंड यहाँ पर जाके ये वाली लेयर को म्यूट कर देंगे, तो वीडियो था यहाँ पे इसको म्यूट कर देंगे, तो अब आपको डेजर्ट का साउंड नहीं सुनाई देगा। देखो ये वाला साउंड ना परफेक्ट लग रहा है, लेकिन इसको और परफेक्ट बनाने के लिए डेजर्ट का साउंड पहले डिलीट करेंगे, इसको चढ़ाएंगे ऊपर वाली लेयर में। अब यहाँ पर आपको कंट्रोल आई वापस प्रेस करना है और यहाँ पर आपको SFX साउंड यहाँ पर इम्पोर्ट करना है। तो ये वाला SFX साउंड है, ये मैं आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पे दे दूंगा, जस्ट ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड सर्वर। और ये इतना बड़ा SFX साउंड है, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आप एक नई लेयर क्रिएट कर लो एंड इस वाली लेयर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। एंड जस्ट इसको ना ऐसे कुछ लगाना पड़ता है, जो वेव है ना इसके साथ मैच करानी जब ये ऊपर जा रहा हो। तो जस्ट आप सुन के देखते हैं, अब इसमें बहुत ही ज्यादा फर्क आने वाला है, जस्ट आप लोग ध्यान से सुनना। अब देखो पहले वाला सुनना, देखो पहला वाला सुनाता हूँ, ये पहले वाला आपने सुना वो इतना बेसिक सा लग रहा था, अब जब इसमें थोड़ा SFX डाल के इसको मॉडिफाई किया तब सुनना। अब देखो ये वाला ना एकदम परफेक्ट लग रहा है, अब ये आपका हो चुका है, तो बस इसको यहाँ पर छोड़ो। एंड इसके बाद आप लोग को दूसरे बीट देखना है कहाँ पे आता है। तो देखो दूसरा वाला बीट ना इधर पे आ रहा है यहाँ पे, तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आप लोग को वापस से ये कार 98 का साउंड है ना इसको प्रेस करना है। देन आपके कीबोर्ड में आपको ऑल्ट की दबानी है, ऑल्ट की दबा के आपको लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके ड्रैग करना है इसको। आई थिंक आप लोग नहीं समझोगे, फिर से मैं बताता हूँ। Ctrl Z होगा अनडू, विंडोज दब गया, Ctrl Shift Z होगा आपका रीडू। तो मैं Ctrl Z करता हूँ। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपका कार 98 को ऑडियो सिलेक्ट रखना है ना, आपको कीबोर्ड में ऑल्ट प्रेस करके रखना है ना, आपको लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करना है, फिर डुप्लीकेट हो जाएगा, सिंपल है। या तो आप इसको ऐसे करके, नहीं यहाँ पर कॉपी कट ये सब भी कर सकते हो, ये वाला थोड़ा लंबा हो जाएगा, ऐसे यहाँ से डायरेक्ट ट्रैक कर सकते हो, लेकिन ये ऑल्ट वाला बेस्ट रहता है बार बार करने के लिए। तो आप सुन के देखते हैं। ये देखो ये दो साउंड परफेक्ट। अब मैंने यहाँ पर SFX क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि अगर आप पूरा SFX से भर दोगे तो ये पूरा खराब लगेगा। अगर मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, देखो मैं सिंपली इसको ओवरलैप ही करूंगा, सिंपली ऑल्ट प्रेस करके मैंने डुप्लीकेट कर लिया था। अब देखो अगर आप लगाते हो तो भी सही लगेगा, अगर आप नहीं लगाते हो तो भी सही लगेगा, तो दोनों आप सुन के देख लेना, ये आप पे डिपेंड करता है। अभी मैंने लगाया तो मुझे सही दिख रहा है, तो मैं इसको लगाओ भी छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो दो साउंड एकदम परफेक्ट से हो चुका है। तो अब देखो यहाँ पर ना बहुत सी बीट्स आ रही, तो यहाँ पर हम गन साउंड भी लगा सकते हैं, या तो ग्रेनेड का साउंड लगा सकते हैं, या तो फैन का साउंड लगा सकते हैं। तो मैं ग्रेनेड का साउंड लगाऊंगा, ग्रेनेड का साउंड तो आपको पता ही है, फ्री फायर के ग्रेनेड का साउंड तो भाई एकदम फुसू ग्रेनेड है भाई, कुछ भी बोलो फुसू है,
जैसे हम पबजी का यूज करते हैं आपको पता ही है, यहाँ पे हम लोग ग्रेनेड का साउंड इंपोर्ट कर लेंगे फटाफट। तो यहाँ पे ग्रेनेड का साउंड इंपोर्ट कर लिया, और ये वाली रो मैंने इसलिए छोड़ी थी, अगर आप कोई बड़ा सा ऑडियो इंपोर्ट करते हो तो ये वाला ना आप नीचे कर सकते हो, ऐसे आपको पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ तक ग्रेनेड साउंड है। तो देखो ये बहुत ही बड़ा ग्रेनेड साउंड है, ग्रेनेड साउंड पीछे आ रहा है। यहाँ पे सिंपली इसको मैं पीछे जाने दूंगा, एंड यहाँ पे जाके जूम करके अच्छे से कट कर लेंगे इसको, आगे का जो पार्ट है उसको ट्रिम कर लेंगे, जैसे ड्रैग करके आगे लाना है, देन यहाँ पर इसको सेट कर देना, इसमें ओवरलैप कर देना। ओवरलैपिंग ज्यादा जरूरी है अगर आपको क्लियर रखना है, अगर लेयर बाय लेयर करते जाओगे लेयर बाय लेयर करते जाओगे तो ये जो हमारा कार 98 के साउंड के पीछे जो ऐसे हवा जैसा आता रहता है, जो गन की गोली निकलने के बाद जो आता है एयर का साउंड, वो भी आता रहेगा, ग्रेनेड का साउंड भी आता रहेगा। देन इसको कट करके नहीं करोगे तो वो फिक्स नहीं होगा, और वो एकदम कचड़ा बना देगा आपकी ऑडियो को, फास्ट में सुनोगे तो एकदम कचड़ा हो जाएगा। तो सिंपली आप इसको सुन के देखते हैं, तो देखो एक ग्रेनेड का साउंड लग गया। अगर ये आपको कम लग रहा है तो सिंपली देखो यहाँ पर जब आपका ब्लैक कर्सर हो जाता है तो आपको सिंपली इसको ऐसे ऊपर करना है, यहाँ से ऐसे ऊपर करना है, ज्यादा ऊपर मत करना, थोड़ा सा ही। तो यहाँ पे मैंने एक बार ये 1.4 के करीब कर दिया था, तो यार ने मुझे वो जब आप करके सेट करके देखना। अब देखो एक बीट यहाँ पर लग गई हमारी, अब सिंपली ऑल्ट को प्रेस करके रखो एंड डुप्लीकेट करो जैसे मैंने बताया था, तो सिंपली यहाँ पे एक डालो, एंड यहाँ पे देखो वेव्स दिख रही है ना, इधर इधर लगा दो, अभी सुनने की जरूरत नहीं है, लगा दो। अब सुन के देखो, चार लग गई, अब सुन के देखो। अब देखो सुनने के बाद नहीं एकदम बढ़िया सा लग रहा है, इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये वेव्स जब भी आपको दिखती है ना वहां पे बिना सोचे समझे लगा दो, वो अच्छा ही लगेगा। एंड यहाँ पर एक और वेव आ रही, यहाँ पर लगाएंगे एंड एक यहाँ पर लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो ये देखो ये सबके डिस्टेंस ना आप देखोगे तो सेम सेम है, बस पहला से ही उसका ज्यादा है बस, एंड ये सबके डिस्टेंस सेम है, एंड इसका डिस्टेंस कुछ बढ़ गया है, एंड अगर हम लोग आगे करेंगे तो इसका डिस्टेंस कुछ इसके नॉर्मल ही रहेगा, तो यहाँ पे ये लग जाएगा। तो आप सुन के देखते हैं इसको कैसा लग रहा है, ये अगर अच्छा नहीं लग रहा तो इसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे। तो देखो ये ना एकदम परफेक्ट लग रहा है भाई, एकदम मैंने सिंपली इसको पहली बार में ही फिक्स कर दिया। आप भी चाहो तो ऐसे कर सकते हो, बीट्स का ऐसा बड़ा कर लेना है बस, एंड इसके बाद आपको सिंपली ऐसे करते रहना है। एंड यहाँ पर देखो एक और लगा देता हूँ, और उसके बाद सुन के देखना कितना बढ़िया लगने वाला है। यहाँ पर इतने सारे ग्रेनेड के साउंड थे एकदम, ये देखने में भी मजा आ चुका। एंड इसके बाद ना यहाँ पर सिंपली आपको मार्क भी कर लेना है, तो आप जब एम दबाओगे तो यहाँ पर मार्क लग जाएगा, एम दबाना है सिंपली, कीबोर्ड का एम दबा देना है, ऐसे एम दबाओगे तो यहाँ पे ऐसे मार्क ऐड होते जाएगा। सिंपली आप ये वाली कीज भी यूज कर सकते हो, जो एरो कीज होती है, एम दबाओ और इसको भी यूज कर सकते हो, एकदम परफेक्ट लगाना ये बीट मार्क, क्योंकि ये आगे बीट मार्क ना हमको काम आने वाली है, तो बीट मार्क को एकदम बढ़िया से मार्क करना। अब देखो कभी कभी आ जाता है तो इग्नोर दिस, ये अगर फिर भी आता है तो आपको ऐसे ओके कर देना है, ओके। देन यहाँ पे की फ्रेम का नाम पूछने लगता है ना, तो यहाँ पर आपको सिंपली ऐसे जाना है बैक, एंड ऊपर वाले इसको यूज कर लेना है, वैसे कभी कभी होता है, फिर आप एम प्रेस करके देखना है यहाँ पे, अगर फिर से आता है तो आप ऊपर वाला यूज कर लो, कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है की फ्रेम का आपको नाम पूछने लगता है, तो वो सब सेट करने की जरूरत नहीं है। और ये की फ्रेमिंग वाला काम ना एकदम लास्ट में करना, इसको भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, एंड इसके बाद हम आगे देखेंगे ऑडियो को। एक बार पूरा मैं आपको सुना देता हूँ जितना मैंने एडिट किया है। तो देखो अब यहाँ पर ना मैं एक और साउंड इंपोर्ट करने वाला हूँ, अब वो डेजर्ट का भी कर सकता हूँ मैं, कार 98 का भी कर सकता हूँ, जो बढ़िया लगेगा। सबसे पहले डेजर्ट का ही करके देखते हैं भाई, डेजर्ट एक बहुत बढ़िया गन है, बार यूज करने में क्या जाता है, आ जाओ बस यहाँ पे करते हैं, तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। देखो जब ये एकदम आपका ग्रेनेड ब्लास्ट होता रहेगा, देन इसके बाद अचानक से आपका डेजर्ट का क्लिप आएगा, और ये सब मिलके एकदम बढ़िया सा साउंड क्रिएट करेगा।
अब यहाँ पर आपकी मेन एआर सिंकिंग चालू होगी। सो चलो भाई इसी वीडियो में कवर करते हैं ना सारी टाइप की सिंकिंग। देखो मैंने ग्रेनेड सिखा दिया, देन डेजर्ट एंड वन शॉट कैसे एडिट करेंगे, एंड पूरा सॉन्ग के हिसाब से आपको एकदम बढ़िया से सिखा दिया। तो यार अभी भी आपकी उंगलियां रुकी की हुई है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो पे, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब तो कर ही देना, और बेल वाले आइकन को ऑल पे जरूर से सेट करना जिससे आगे की सीरीज की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो यहाँ पर ना आप एक और चीज डाल सकते हो, जैसे मेरे पास ये एक और SFX है, तो गाइस वो वाला ना SFX अभी पता नहीं क्यों वर्क नहीं कर रहा, और अभी मैं उसको सही कर नहीं सकता क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा। एंड ये देखो ये हमारे ग्रेनेड का साउंड था, तो इसको डिलीट कर देना अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहोगे। एंड यहाँ पर ना आप लोग को अब इम्पोर्ट कर लेना है आपका AR साउंड। AR में तो भाई सबसे बढ़िया M4A1, तो सबसे पहले हम लोग M4A1 के साथ ही जाएंगे। तो M4A1 मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया सिंपली, अब इसको यहाँ पे लगा दूंगा क्योंकि मुझे पता ही है। देखो पूरा वेव अच्छे से दिख रहा है, अब इतना बड़ा बड़ा भी दिख रहा है ना, तब तो आपको बिल्कुल ही आराम से दिख जाना चाहिए। तो बस इसको यहाँ से कट कर लेंगे एंड इसको यहाँ पे लगा देंगे। अब देखो आपका सिंपली वेव वेव दिख रही है, सिंपली आपके कर्सर को आपको लेके जाना है यहाँ पर, और एंड यहाँ पर देखो ऐसे ऑल्ट दबा के रखो, लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके ड्रैग कर दो, सिंपली यहाँ पे ऐसे लगाते जाओ वापस। देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऑडियो पे क्लिक कर देते हो तो ये वाला बार खुल जाता है, ऑल्ट छोड़ के फिर ये कर देना तो सही हो जाता है। देखो ये एकदम परफेक्ट लग रहा है, मैंने साउंड भी नहीं सुना आगे का, ऐसे ही लगा दिया वेव्स के हिसाब से, जो वेव्स मुझे मिल रही है ऑडियो से सेम वैसे ही मैंने लगा दिया। एंड अभी कंट्रोल एस करते रहना यार, देखो कंट्रोल और एस करते रहना, कंट्रोल एस करते रहना, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट अगर क्रैश हुआ तो सब गया तेल लेना, सारी मेहनत गई। इसलिए सेव जरूर से करना, जैसे कोई भी स्टेप करो सेव कर दो। मेरा पीसी थोड़ा हाई एंडेड है, तो अगर मैं सेव नहीं करता हूँ तो वो थोड़ी देर तक सह लेता है, लेकिन हाई एंडेड होने से भी कोई फायदा नहीं। अगर आप क्रैक वाला यूज कर रहे हो प्रीमियर प्रो, क्रैश कभी भी हो सकता है, इसलिए सेव करते रहना। आपने सेव किया तो आपका फाइल बच जाएगा, अगर आपने सेव नहीं किया तो आपका फाइल गया। तो ऐसे सेव करते रहने का, हर एक स्टेप के बाद सेव कर लो, आदत डाल लो। मुझे आदत नहीं है क्योंकि मेरा ज्यादातर क्रैश नहीं होता है, लेकिन जब क्रैश होता है तो भाई गंदा वाला क्रैश होता है, इसलिए मैं हर 10-15 मिनट में सेव कर लेता हूँ, लेकिन कभी कभी फिर भी हो जाता है, तो फिर से मेहनत करना पड़ती है, तो फिर क्या ही करे। अभी तक जितना मैंने किया उतना सुन के देखते हैं। अब देखो यहां पर ना आगे और यार को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो लास्ट में ना थोड़ा फास्ट हो जाना चाहिए, फास्ट होगा तो मजा आएगा। इसको थोड़ा फास्ट में कर दूंगा एंड इसको यहाँ पे कर दूंगा। देखो अभी मैं सेम बोल रहा था वही चीज मेरे साथ, तो अब कंट्रोल जेड करूंगा मैं, अब ऑल्ट दबा के मैं इसको करूंगा, अभी फिर से वो हो रहा है तो फिर से करूंगा मैं, अब नहीं हुआ देखो, लेकिन इस बार मैंने लेफ्ट क्लिक छोड़ दिया तो हुआ नहीं था वो अच्छे से सही जगह पे। तो बस अभी मैं इसको सुन के देखूंगा लास्ट में फास्ट हुआ कि नहीं। तो देखो यहाँ तक ना एकदम परफेक्ट अभी हो चुका है, अगर आप सुन के देखोगे तो। देखो मैं ऐसे छोटा कर देता हूँ, ऑल्ट दबाओ और माउस को ऐसे नीचे की करो, नीचे की और करो, माउस का जो व्हील होता है जस्ट ऐसे, एंड स्टार्टिंग में पहुंचने के लिए इसको लेके जाओ, एंड माउस के स्क्रोल बटन को ऊपर की और स्क्रोल करोगे ऑल्ट के साथ, ऑल्ट दबा के रखो एंड ऐसे स्क्रोल अप डाउन करके देखो, ऑल्ट दबा के रखना है। ऑल्ट का बहुत काम होता है प्रीमियर प्रो में, और प्रीमियर प्रो में शॉर्टकट्स भी बहुत अलग होते हैं आफ्टर इफेक्ट से। कंट्रोल जेड और कंट्रोल शिफ्ट जेड तो थोड़ा सेम ही होता है हर ऐप में, कंट्रोल जेड तो होता ही है, तो ये तो नॉर्मल सी थिंग था। अब आप तो सुन के देखते हैं। अब देखो यहां पर ना मैं यूज करूंगा Car98 के साउंड को अगेन यहां पर, अब वहां से मैं कॉपी करने नहीं जाऊंगा, वो बहुत दूर पड़ेगा, मैं सिंपली यहीं से उठा के यहीं पे लगा दूंगा। बस कट कर लिया, लगा दिया। तो बहुत ही जल्दी हो जा रहा है, पहले नीचे रख के ट्राई कर लो फिर ऊपर लगाना, नहीं तो बार बार कंट्रोल जेड करना पड़ेगा। एंड यहां पर सिंपली ऐसे लगा देते,
तो देखो ये वाला ना साउंड यहाँ पर सही लग रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ एंड एम्फोरियम के साउंड को ऐसे ही जाने देंगे। अब यहाँ से ना हम लोग एआर को वापस से कंटिन्यू करेंगे, वापस से आपको दूसरा कोई एआर का साउंड यहाँ पर इंपोर्ट करना है, देन कंटिन्यू कर लेना है। एंड यहाँ पर आप एसएफएक्स को यूज करके एक बार ट्राई कर सकते हो कैसा लग रहा है। मैं सिंपली ऑल्ट के साथ इसको दबा के ऐसे वहां से डुप्लीकेट करके लाया हूँ। यहाँ से भी आप ला सकते थे लेकिन मैंने उसको टाइमलाइन को छोटा कर लिया था, इसीलिए मैंने फिर वहीं से कॉपी करके उठा लिया। देखो ये बढ़िया लग रहा है, आप ऐसे ही छोटे मोटे एसएफएक्स और यूज कर सकते हो जो कि मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे प्रोवाइड कर दूंगा आपको। आप फटाफट से जाओ मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और कंट्रोल एस कर देना, याद से क्रैश हो गया तो फिर आपको ही दिक्कत होगी, और सेव करके रख लेना। अब नेक्स्ट वाले में ना हम लोग सीखेंगे कि आप वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो। ऑडियो का पूरा पार्ट मैंने एक ही वीडियो में ही क्लियर कर दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत बार बीट सिंह सुना चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, तो शायद आपको इतना डाउट नहीं होगा। बस आपको कैसे क्या यूज करना था वो मैंने आपको सिखा दिया है, एंड हो सकेगा तो मैं आपको लो पास एंड हाई पास भी बता दूंगा कि कैसे डाल सकते हो, एकदम मस्त लगेगा आपका ऑडियो बनने के बाद। तो यहाँ पर मैं वापस आपको सुना देता हूँ, एक बार लास्ट टाइम सुन लो एंड इसके बाद हम लोग अपने वीडियो को खत्म करते हैं। तो बस यही तक आज का वीडियो, अगर आप लोग को आज का ट्यूटोरियल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, किसी नहीं अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसके वीडियो एडिट पे लेके। और आप लोग को और कौन कौन से ट्यूटोरियल चाहिए, मोबाइल पे चाहिए तो मोबाइल का बताओ, पीसी पे चाहिए तो पीसी का बताओ, हर चीज का ट्यूटोरियल मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करते रहो और थोड़ा शेयर करते रहो, और जाओ यार डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, पुराना वाला सीन हो चुका है उसके साथ। अगर आपको जानना है क्या सीन हुआ तो ये वाली वीडियो देख लेना जो इस साइड को आ रही है, और अगर आपको और भी कुछ जानना है और थोड़ी बीट सिंग्स देखना है तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना। चलो चलते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।